बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास का चैप्टर 8 शाम एक किसान कविता का सार, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि ने किसान के रूप में बच्चों जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, अर्थात जो जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य है उसे एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जो है वो एक बैठे हुए किसान की तरह उन्हें लग रहा है और आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने घुटनों पर चादर फैलाई हो। जो पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल हैं वो उस समय ठंड में गर्मी देने के लिए अंगीठी के समान लग रहे हैं। पूर्व दिशा में जो घना अंधेरा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे झुंड के रूप में भेड़ें बैठी हों, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चिल्लम पर सुलगती आग दिखाई हो। ये पूरा जो दृश्य है बच्चों बिल्कुल शांत है, तभी अचानक मोर बोलता है मानो किसी ने आवाज़ लगा ली हो। सुनते ही सारी घटना सारा दृश्य बदल जाता है। चिल्लम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, अर्थात शाम हो जाती है और उसके बाद थोड़ी देर में रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो उस समय जो प्राकृतिक दृश्य किसान की तरह लग रहा था अब वो बिल्कुल हटके उसकी जगह अंधेरा हो जाता है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहता है कि हमें प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कृत्रिम सौंदर्य अर्थात मानव के द्वारा बनाई गई कृत्रिम सौंदर्य चीज़ें प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती।